एक तो ये भी ज़रूर बता दीजिएगा कि जैसा अभी राणा साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ने अपनी एक विल दी है कि डेफिनेटली इस मैटर को टेकअप किया जाएगा, तो क्या प्लानिंग में है ये तो ज़रूर बताइएगा। और फिर अभी आपने पिछले सेगमेंट में ये बात की थी कि बच्चियों का जो मामला था, हिंदू बच्चियों का जो मामला था, और उसके ऊपर जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह रिएक्ट किया है और जिस तरह वहाँ से उन्होंने बात करना शुरू कर दी, सुषमा स्वराज साहिबा जो है वो जो कहती रहीं, तो वहाँ पर जो सलूक होता है मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, वो सब कुछ अगर देखा जाए, पाकिस्तान का किरदार इस हवाले से देखा जाए, आप क्या कहेंगे? दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि मैं तो ये चाहूँगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तलकात बेहतर हो। दोनों मुल्क एक दूसरों के इंटरनल मैटर्स में मदाखलत नहीं करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ह्यूमन राइट इश्यूज़ हर जगह पे माइनॉरिटीज़ के साथ होते हैं। दुनिया के अंदर जितनी माइनॉरिटी है, थोड़े बहुत हर जगह पे इश्यूज़ होते हैं, मगर वो इंटरनली उस गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि माइनॉरिटीज़ के इशू के रिड्रेसल की तरफ जाए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आपने बात की समझौता के हवाले से, मैं समझाऊँ समझौता के हवाले से, गवर्नमेंट हमारी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान, वो अगर इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाना चाहती है वो लेके जा सकती है। बाकी रही बात सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट चाहे इंडिया की है चाहे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, वो शवायद के ऊपर जाती है। वो शवायद कैसे गायब होते हैं, क्या होता है, हर जगह पे ये प्रैक्टिसें होती है। अब उन प्रैक्टिस के हवाले से हम उनको बुरा भला कहें, हमारे पास दूसरा फोरम है, उस फोरम के हवाले से हमने इस रिपोर्ट को हमने रिजेक्ट किया, इस फैसले के मुताबिक हम जो है वो मुतमिन नहीं है। हम इंटरनेशनल कोर्ट का ऑप्शन रखते हैं, हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। मगर ये ज़रूर है कि ये कहना कि हर जगह पे माइनॉरिटी के प्रॉब्लम थोड़े बहुत यहाँ पे भी है, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हर जगह पे मौजूद है। मेरा ख्याल है कि वाजह फर्क है यहाँ पर पाकिस्तान में जैसा रिएक्ट किया जाता है या जैसा हिंदुस्तान में, कैसे रमेश चेक जो जहाँ होता है, जो जहाँ होता है वो अपनी धरती की बात करता है, वो दूसरे को हमेशा देख रही है ना। रमेश कुमार साहब, चले ठीक है, सही है।